Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now it's so cold outside. I'm alone. तो हेलो जी व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू वंडरफुल वकार यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 23rd of June और आज की जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको जैसे पता है, मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि आज हम लोग करने वाले हैं अपने नए गिम्बल की टेस्टिंग, क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या मूव्स है, किस तरह ये वर्क करता है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अभी मेरे साथ मेरा दोस्त आया हुआ है मोमिन और हम लोग लाए अपनी साइकिल बाइसिकल, थोड़ा अलग अलग तरह से सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे और कुछ अलग तरह से शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग सिनेमैटिक्स लेंगे और बाकी दिखाएंगे। फिलहाल शूटिंग के लिए जो गियर यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है हमारा रेडमी नोट 9 प्रो विद आई स्टडी मोबाइल प्लस जो आया है हमारे पास रोहिम की तरफ से। ये गिम्बल बहुत ज़्यादा औसम है जितना मैंने चेक करा है। बाकी अभी आप लोग देखेंगे यहाँ के सारे सिनेमैटिक्स, सारे मोड किस किस तरह होता है, गिम्बल के साथ भी वो शॉट दिखाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा विदाउट गिम्बल भी वाला शॉट दिखाने की। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल फर्स्ट शॉट जो हम लेने वाले हैं उस शॉट में लेने वाले हैं, मैं मोमिन के साथ जाऊंगा, मोमिन करेगा साइकिलिंग और मैं उसके पीछे जाऊंगा फॉलो करूंगा। इस बार ही हम लोग यूज करने वाले हैं फर्स्ट टाइम पैन फॉलो मोड और देखते हैं विद गिम्बल और विदाउट गिम्बल कैसा आता है ये शॉट। और फिलहाल माइक नहीं है उसके लिए सॉरी। So, अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं पैन एंड टिल्ट फॉलो पीटीएफ मोड, ये सेकंड मोड होता है गिम्बल का और सेम सीक्वेंस रहेगी अब के, लेकिन मोमिन करेगा रनिंग, साइकिलिंग नहीं करेगा और एज यूजुअल मैं मोमिन के पीछे रनिंग करने की कोशिश करूंगा और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट शॉट जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑल लॉक मोड। इसमें मतलब यह है गिम्बल को किधर भी ले जाओ गिम्बल एक ही तरफ रहेगा, ठीक है। और इस शॉट में हम करेंगे, मैं साइकिलिंग करता हुआ और मोमिन करेगा मेरे को फॉलो वाइल रनिंग और देखते हैं कैसी इसकी स्टेबिलिटी आती है। But I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side. So, ये जो last shot है, ये लेने वाले हैं हम all follow mode पर और इसके तो यार scenes ही सारे हैं। I'ma take pride. I will decide my fate and die. We'll never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Hello ji, what's up my YouTube family? Welcome back to Wonderful Bakar's YouTube channel. तो friends, आज है 21st of June 2020 और आज की जो vlog है वो बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है और आज की जो vlog है वो specially जो है फिल्म मेकर्स या फिर जो लोग सिनेमाटोग्राफर्स हैं या जो लोग यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं करियर और गियर को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आज की जो ब्लॉग है वो स्पेशली होने वाली है। तो फ्रेंड आज हमारे पास है ये देखें आई स्टडी मोबाइल गिम्बल, ठीक है ना, आई स्टडी मोबाइल प्लस ये गिम्बल है और ये हमने परचेज़ करा है अभी। तो आज इसको हम करने वाले हैं अनबॉक्स, इसका रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं क्या है इसके अंदर, क्या क्या मिलने वाला है आपको और क्या क्या इस गिम्बल की स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए सीधा हम करते हैं इस गिम्बल को अनबॉक्स। तो बेसिकली यार एक नॉर्मल बॉक्स है ये, ठीक है, और इसके अंदर यार देखो नॉर्मली ये केस मिल जाता है आपको, केस है नॉर्मल। तो यार इस केस को खोलें, सबसे पहले हमें मिलती है यार एक बुकलेट, यहाँ पर नॉर्मल एक बुकलेट है। इसके अलावा इसमें हमें मिल जाता है एक गिम्बल। बहुत सारे लोगों को पता है क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को नहीं पता गिम्बल का क्या यूज़ है मैं आपको बता दूं, ये एक स्टेबलाइज़र है जो वीडियो को शेक होने से बचाता है। बेसिकली कैमरे के भी गिम्बल आते हैं, मोबाइल फ़ोन का भी गिम्बल आता है, तो ये मोबाइल फ़ोन का गिम्बल है। तो इसके अंदर एक मिल जाता है इस तरह का ट्राईपॉड स्टैंड, ये नीचे गिम्बल के नीचे कनेक्ट हो जाता है। और एक मिलती है हमें यहाँ पर डेटा केबल, इसको चार्जिंग वगैरह करने के लिए। और इसको देख लो यार कुछ इस तरह का होता है ये,
इसके अंदर मोबाइल फ़ोन हम अपना कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका मोबाइल होता है, पावर ऑन होता है। बाकी बेसिक कंट्रोल्स मैं आपको बता दूँ, ये जॉयस्टिक है, ये वाला जो बटन है पावर बटन है, और रिमोट सिलेक्शन का है, जूम इन जूम आउट का है, और ये पीछे एक ट्रिगर है, ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। बाकी तो जैसे हम इसको टेस्ट करेंगे फील्ड टेस्ट के अंदर आपको पता लग ही जाएगा क्या क्या करना है। तो जल्दी से इसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं अपना मोबाइल और आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ये मोबाइल फ़ोन है, इसको गिम्बल में लोगों को, बहुत सारे लोगों को बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फ़ोन लोगों को लगाना नहीं आता। मैं आपको बता दूं आप इसके अंदर मोबाइल फ़ोन कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर ही हमारा मोबाइल हो गया कनेक्ट, ठीक है यहाँ तक। अब जो है पहले गिम्बल को सीधा करेंगे और इसको बैलेंस करना होता है, सबसे बड़ी बात। गिम्बल जो है जब तक आपका बैलेंस नहीं है जब तक वो नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन थोड़ा वेट एडजस्ट नहीं ले पा रहा, मुझे पता नहीं इसके अंदर कैसे होगा यार। ये जो है ज़रा सा इसको यहाँ से हम नीचे कर लेंगे ताकि मोबाइल फ़ोन बैलेंस हो जाए। तो अनकरीब हमारा मोबाइल जो है बैलेंस हो चुका है। तो ये इसका पावर बटन है, ठीक है आपको दिखा दूँ मैं। गिम्बल को हमने बैलेंस करके पावर बटन को 3 सेकंड के तक दबाना है और ये गिम्बल हमारा ऑन हो गया। तो 3 सेकंड तक दबा के गिम्बल ऑन हो गया। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है इस पर। और गिम्बल इस तरह से हमारा हो गया है बैलेंस। तो बेसिकली ये गिम्बल हमारा इस तरह से कुछ बैलेंस होता है, कुछ इस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर कुछ मोड्स होते हैं जो हम आपको भी बाहर जाके जब हम इसको टेस्ट करेंगे जब बताएंगे, लेकिन मेन ही आप ये समझ लें इसके अंदर जो है वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज रहती है। जिधर हम गिम्बल को मूव कराएंगे उधर लेके जाएगा, वीडियो के अंदर शेक नहीं आएगा। तो यार ये देख लो कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है, और बाकी यार वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट है। अगर आपको अच्छे सिनेमैटिक्स लेने हैं तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो जॉयस्टिक है इसको आप जॉयस्टिक से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इधर जाएगा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ लेना है। अगर आप जॉयस्टिक से कंट्रोल करना चाहें तो जॉयस्टिक से भी कंट्रोल कर ही सकते हैं। और कुछ अलग अलग तरह के इसमें मोड भी होते हैं, जैसे ऑल लॉक मोड होता है। तो ये ऑल लॉक मोड आ गया, इसमें गिम्बल जो है सिर्फ एक तरफ रहेगा, जिधर आप देख सकते हैं मैं किधर भी मूव करूँगा वो एक ही तरफ रहेगा। ये देखो सामने, मैं चाहे नीचे लेके जाऊँ चाहे ऊपर लेके जाऊँ, चाहे राइट करूँ फ़ोन को चाहे लेफ़्ट करूँ, गिम्बल मूव नहीं करेगा। तो इस तरह के कई इसमें मोड मिल जाते हैं। हम इसको बाहर जाते हैं, इसका फील्ड टेस्ट लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हम इससे कर सकते हैं, किस तरह की हम इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बाकी यार जो गिम्बल है वो वर्दी है अपने प्राइस के हिसाब से। और मेरा ये मेन लेने का मकसद ये है कि ओसमो मोबाइल 2, DJI ओसमो मोबाइल 2 है, उसकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है ये गिम्बल। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, देखें जैसे नॉर्मल गिम्बल्स में क्या होता है सिर्फ आप चार्जिंग कर सकते हैं, तो MI मौजा मिनी का एक गिम्बल है, MI का मौजा मिनी एक गिम्बल है, उसमें भी यही सिस्टम है। पावर बैंक, इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, इसको भी चार्ज कर लो फ़ोन भी चार्ज कर लो और बताओ, मतलब ये पावर बैंक की तरह भी काम करेगा अगर फ़ोन की बैटरी रन आउट हो जाए। और बाकी बेसिकली इसका जो नॉर्मल था वो 3500 mAh की इसकी बैटरी है, और छोटे मोटे इसके यार फंक्शंस होते हैं जो नॉर्मल गिम्बल में होते हैं। बाकी अलग अलग इसमें मोड्स होते हैं ऐसे इससे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दीजिएगा, और स्पेशल थैंक्स मेरे भाई मोमिन के लिए, उसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यार बस सब्सक्राइब करके देर हो गई है। चले फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।